अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सारी दुनिया में क्रिकेट के मामलात कोरोना की वजह से रुके हुए हैं, मगर तमाम ही क्रिकेट बोर्ड कुछ ना कुछ नया करने की कोशिशें कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने आज कुछ नई खबरें आई हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जिसमें वो सिलाइवा वाली जो चीज़ें हैं, थूक लगाना गेंद पे और ये सब चीज़ें। इसके अलावा इंडोर क्रिकेट की बात हो रही है, बंद दरवाजों के पीछे सीरीज कराने की बात हो रही है। आईसीसी ने आज नई रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान की T20 रैंकिंग पहले नंबर से चौथे नंबर पर आ गई है। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ काम हो रहे हैं, मगर एक क्रिकेट बोर्ड ऐसा भी है कि जहाँ के साबिक कप्तान हों, साबिक चेयरमैन हों, चीफ एग्जीक्यूटिव हों, वो पुराने बातें करने में लगे हुए हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, पुराने मैच फिक्सर्स को दोबारा से मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही है, उनके साथी जो है उनकी हिमायत में यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं। एक गैंग ये बना हुआ है जो फिक्सर्स को वापस लाने की बात कर रहा है या पुराने मैचेस की फिक्सिंग के हवाले से बातें कर रहा है, और एक तरफ है हमारे स्पीड स्टार शोएब भाई, जिन्होंने डायरेक्ट अटैक किया है पीसीबी की लीगल टीम को, और आज उनकी एक और वीडियो आई है। जाहिर है हम बात इस पे करेंगे, क्योंकि शोएब अख्तर एक ऐसा नाम है, एक ऐसा खिलाड़ी है कि जो वो जो कहता है ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है यकीनन, और हमारा काम है यहाँ पे बैठ के क्रिकेट की खबरों पे, खासतौर पे जो हमारे मुल्क में मामला चल रहे हैं उन पे बात करना। तो अगर शोएब अख्तर आजकल खबरों के बीच में है तो हम शोएब अख्तर पे बात करेंगे। अब वो बात अच्छी लगे बुरी लगे वो आप लोगों की अपनी सवाबदीद है, आप लोगों की अपनी पसंद नापसंद है, लेकिन हम तो बात करेंगे। अब आज एक बयान आया है शाहिद अफरीदी के हवाले से, जिसपे शोएब अख्तर को उन्होंने सपोर्ट किया है और उन्होंने सालिसी का किरदार अदा करने की भी बात की है कि शोएब अख्तर और तफजुल रिजवी के बीच में जो मामलात हैं उसमें वो बीच में बैठ के मीडिएट कर सकते हैं उसको। मोहम्मद यूसुफ ने शोएब अख्तर की फेवर में बयान दिया है, कल कुछ और लोगों के भी बयान आए थे, इसमें यूनुस खान का भी एक स्टेटमेंट आया था, और आज जो शोएब अख्तर की वीडियो आई है उससे एक बात तो ये जाहिर हो गई है, साबित हो गई है कि शोएब अख्तर ने उसमें जो दीगर वकला के बारे में बात की थी, उन्होंने कहा वो सब मेरे लिए काबिल एहतराम है और मैं बात कर रहा हूँ तफजुल रिजवी की, तो इससे एक बात तो जाहिर हो गई है कि ये अब एक पर्सनल लेवल पे बात पहुँच चुकी है शोएब अख्तर और तफजुल रिजवी के बीच। इसमें पीसीबी का किरदार उस वक्त नजर आया जब पीसीबी ने ये बात की कि जी हम शोएब अख्तर ने जो बात की उसमें जो अल्फाज का चुनाव था वो दुरुस्त नहीं था, लेकिन पीसीबी ने तफजुल रिजवी को कोई डायरेक्ट सपोर्ट नहीं दी है, बल्कि उन्होंने भी ये कहा है कि तफजुल रिजवी ने शोएब अख्तर पे जो केस किया है वो उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किया है। तो इसका मतलब है कि ये अब आमने सामने है शोएब अख्तर और तफजुल रिजवी। लेकिन एक चीज शोएब अख्तर के हवाले से जो बात सबसे अच्छी है वो ये है कि शोएब अख्तर की का माजी जितना भी कंट्रोवर्शियल हो लेकिन दागदार नहीं है, शोएब अख्तर के ऊपर कभी भी मैच फिक्सिंग का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, इसीलिए शोएब अख्तर की सपोर्ट में भी जो खिलाड़ी आके इस वक्त खड़े हुए हैं वो वही लोग हैं जिनके माजी हमेशा क्लीन रहे हैं, उन पर भी कभी मैच फिक्सिंग के हवाले से कोई एलिगेशन नहीं लगे। लेकिन अभी तक वो लोग जिन पे मैच फिक्सिंग के हवाले से एलिगेशंस लगे हैं या जिनके नाम मैच फिक्सिंग में आते रहे उनमें से कोई भी नाम शोएब अख्तर के लिए आके खड़ा नहीं हुआ है, ऐसी क्या वजूहत हैं इस पे आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे दोनों दोस्त हैं, आयरलैंड से एहतिशाम और कराची से मेरे साथ इफी भाई। कैसे हैं एहतिशाम आप? जबरदस्त ठीक ठाक साकिब भाई, आप सुनाए? इफी भाई क्या हाल है? साकिब भाई बहुत जबरदस्त, सूरत हाल बहुत अच्छी है और आपने आज बहुत ही कुछ जबरदस्त सा सवाल उठा दिया है और यकीन जानिए इसके लिए थोड़ी सी सोचो विचार करनी पड़ेगी। बहरहाल आप सवाल कीजिए, आप क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप भाई? सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करूंगा वो करूंगा, आरिफ अब्बासी ने कहा है बासित अली भी मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे, चले यहाँ से शुरू करते हैं।
मुझे तो ये कहने में कोई आर नहीं है कि बासित अली वो नाम है और राशिद अली वो नाम था जो सबसे पहले मैच फिक्सिंग के लिए खड़े हुए, मगर आरिफ अली खाना बासित साहब पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ा हुआ वो नाम है जो कलर क्रिकेट हो या वर्ल्ड कप के मैचेस हो पाकिस्तान में इन्वेंट करने वाले यही साहब है आरिफ अली बासित साहब, और इनकी बड़ी काविश है इसके अंदर। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो इसका कहीं ना कहीं बासित अली को जवाब देना पड़ेगा। दामन पे चिंगारी तो आ चुकी है उनके, क्योंकि जब उन्होंने लोगों के लिए ये कहा कि यार ये मैच फिक्सर्स हैं, उन्होंने इस बात को डिनाई किया। आज बासित अली भी हो सकता है शायद इसको डिनाई कर दे, मगर चिंगारी अब को अगर हवा लग गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा घर बचाना। बासित अली ने ऑलरेडी डिनाई कर दिया है। अच्छा, जो लोग आरिफ अली खान अब्बासी को नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि आरिफ अली खान अब्बासी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव थे। अच्छा, अब बासित अली ने इस बात को डिनाई कर दिया है। बासित अली की एक वीडियो आ गई है और उन्होंने उसमें कहा है कि जी इंतखाब आलम और आरिफ अली खान अब्बासी ये दो लोगों के नाम चल रहे थे बासित अली पे इल्जाम लगाने के हवाले से। तो बासित अली ने कहा है कि जी आरिफ जो इंतखाब आलम साहब से मेरी बात हुई है, इंतखाब आलम ने कहा है कि मेरे नाम के साथ जो स्टेटमेंट चल रहा है वो गलत है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। और आरिफ अब्बासी साहब के हवाले से बासित अली ने ये कहा है कि जी वो मेरे बड़े हैं, उन्होंने ये बात क्यों की है मुझे नहीं पता, लेकिन दुनिया की किसी भी अदालत में मुझे इस बात के ऊपर चैलेंज कर सकते हैं वो, और अगर मुझ पर ये चीज साबित हो जाए तो मुझे वहीं पर हैंग कर दें, और अगर ये बात मुझ पर साबित ना हो तो जिन लोगों ने मुझ पर ये इल्जाम लगाया है अल्लाह में उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये बासित भाई के बयान है और ये उनके अल्फाज हैं। अच्छा, मोहम्मद यूसुफ ने भी इस हवाले से शोएब अख्तर के हवाले से एक बात की है। शाम जी जी, आपने यकीनन आपकी नजर से गुजरी होगी कि मेरे से ट्वीट गुजरी है, मोहम्मद यूसुफ अगेन कूल हेड कप्तान, फॉर्मर कप्तान, तो कूल हेड रह के उन्होंने दोनों पार्टीज को जो उन्होंने कहा है कि आपस में ये मामला सुलझाएं आप, और इसमें वो भी उन्होंने भी मेरे ख्याल में शायद हेल्प का कहा है कि अगर मैं कर सकता हूं तो मैं करूंगा हेल्प इसकी, तो वही कूल माइंड रह के दोनों पार्टियों को उन्होंने बोला कि थोड़ा सा आप लोग मिलजुल के बात करके बैठे और करें खत्म, इसको खत्म करें। इसी भाई ये ऑफर जो है हेल्प करने की ऑफर या मीडिएट करने की ऑफर शाहिद आफरीदी ने भी दी, ये बात जो है वो डॉक्टर नुमान नियाज और राशिद लतीफ ने भी कही, यूसुफ भी कह रहे हैं ये बात, लेकिन अब आपको नहीं लगता कि ये मामला अब इससे ऊपर चला गया है क्योंकि अब शोएब अख्तर ने बोल दिया है कि अब मैं कानूनी जंग लड़ूंगा और इस बात का मुनासिब जवाब मेरे वकील देंगे? देखिए साकिब भाई, आपने जब ये सवाल शुरू किया था तो आपने एंट्रो में शाहिद आफरीदी, यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ और शोएब अख्तर, मैं मोहम्मद यूसुफ को इससे बाहर जरा अगर कर दूं तो पाकिस्तान के तीन सबसे बड़े नाम है, एक ने 10,000 रन किए हुए, एक बूम है, दूसरा रावलपिंडी एक्सप्रेस है। पाकिस्तान क्रिकेट में लगता है कुछ भौचाल सा आने वाला है, लगता है कुछ पिछले दरवाजे से कुछ तो कुछ तब्दीली की तरफ मुझे लग रहा है कुछ हवा चलती भी नजर आ रही है। अगर ये तीनों नाम एक जगह खड़े हो गए और एक ही मौके पे डट गए तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में भौचाल नहीं आएगा? कुछ तो कुछ तब्दीली की तरफ यकीनन चीजें बढ़ेंगी, क्योंकि आप कुछ भी कहें, शाहिद आफरीदी की कॉन्ट्रोवर्सी अपनी जगह, यूनुस के मसाइल अपनी जगह, शोएब अख्तर की परफॉर्मेंस अपनी जगह, उसकी कॉन्ट्रोवर्सी इंजरीज अपनी जगह, मगर ये वो करेक्टर है पाकिस्तान क्रिकेट के कि अगर ये तीनों सुतून बन के ट्रायो बनकर एक ही मुद्दे पे अगर खड़े हो गए तो पाकिस्तान क्रिकेट की डायनेमिक्स चेंज हो सकती है। अभी अभी नया एक कुछ अरसे पहले नया आईन जो है वो पास हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जिसके तहत 4 नए गवर्नर्स को अपॉइंट करने की तैयारियां कर ली गई हैं इन हालात में, जबकि कोरोना लॉकडाउन है और क्लब्स के अंदर क्लब्स की स्क्रूटनी नहीं हुई और एसोसिएशन के इलेक्शन नहीं हुए। ये कैसे होंगी चीजें, किस तरह से होंगी, कौन ये सब चीजें कर रहा है, कुछ मामला अंदर से चल रहे हैं। ऐसे वक्त में खिलाड़ियों का और टॉप स्टार खिलाड़ियों का जिनको दुनिया में लोग जानते हो, एक मुद्दे पर अगर एक हो जाना तो इसका मतलब ये है कि क्रिकेट पे कुछ ना कुछ भौचाल की तरफ आ रहा है और इसका खुमियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। देखिए, आपने खुद ही कह दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इलीट है, खास तौर पर जो चेयरमैन है और जो सीईओ है, उन्होंने इससे अपने आप को बरी जिम्मा करार दे दिया और लीगल टीम को टास्क दिया। किसने लीगल टीम को सब कुछ ये पर्सन, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मुद्दे पे
तफज्जुल रिज़वी के साथ नहीं खड़ा हुआ। अच्छा आप, अब आप ये बता दीजिए, आप हम कल खुद ही ये बात कर रहे थे कि क्रिकेट बोर्ड होता है तो प्लेयर्स होते हैं, यानी कि प्लेयर्स हैं तो क्रिकेट बोर्ड है, इसी तरह तफज्जुल रिज़वी साहब अगर बोर्ड में है तो वो लीगल टीम को हेड कर रहे हैं, अगर वो नहीं है तो फिर नहीं है। तो फिर ये पर्सनल केस, पर्सनल लेवल पे अगर केस बनता है और इसमें इतने बड़े नामों का आ जाना, तो ये मामला तो कहीं जाके सुलझता हुआ नजर तो जरूर आ रहा है, मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। अच्छा, मौजूदा मुझे, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए एफी भाई, कि क्या आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर बड़े नाम उठाए जाएं तो ये तीन जो बड़े नाम हैं, एहसान मानी, वसीम खान और तफज्जुल रिज़वी, क्या आपको लगता है कि इन तीनों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है, मगर कहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल जरूर रहा है। देखिए मैं आपको यही कह रहा हूं कि शोएब अख्तर की डिमांड क्या है, ट्रांसपेरेंसी। अगर आप उसकी वीडियो देखें, बाकी सब चीजें निकालते, उसमें एक चीज ट्रांसपेरेंसी की है उमर अकमल के बैन को लेकर। जो बात मुझे समझ में आई वो इसलिए समझ में आई कि उसने ट्रांसपेरेंसी की बात करी है, कहीं उसने कहा है कि कुछ राइट्स का इशू भी है। देखिए पीसीबी के राइट्स जो है ना, वो कोई एम्प्लॉय नहीं दे सकता, पीसीबी की पूरी एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, वहां से मंजूरी होती है, फिर उसके बाद चीजें दी और ली जाती है, ठीक है। तो उस पर अगर आपने किसी चीज, किसी लीगल टीम को डायरेक्टली हिट किया शोएब ने, तो वो ऑलरेडी अपने अल्फाजों पे खड़ा हुआ है, वो कर रहा है, कह रहा है कि मेरी लीगल टीम इसके खिलाफ कुछ ना कुछ बना रही है। मगर एक ऐसे वक्त में जब उनके कुछ दोस्त उनको मशवरा दे रहे हैं कि वो पर्सनल लेवल पे खत्म कर लें, यानी कि ये तफज्जुल रिज़वी साहब से भी कॉन्टेक्ट हो रहा होगा लोगों का अगर शोएब से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है, मुझे बिगड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में क्रिकेट नहीं है पाकिस्तान में, तो बिल्कुल आप सोच लें कि क्या हालात चल रहे हैं यहाँ पर, तो उसकी कमीज, उसकी पतलून, उसकी दाढ़ी, उसकी मूंछें, यहाँ तो ये वाला सीन चल रहा है। ऐसे वक्त में तीन खिलाड़ियों का एक होना एक मुद्दे के ऊपर, कोई नया रंग आने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, कुछ चेंजेस की तरफ। मुझे अच्छा इत्शाम, मुझे एक बात बताइए जी, ये शोएब अख्तर ने जो अपनी वीडियो बनाई जिसमें तफज्जुल रिज़वी को उन्होंने दो टके का आदमी कहा, उसमें उन्होंने दो नाम और भी लिए थे, जिसमें एक नाम शाहिद आफरीदी का था और एक नाम यूनुस खान का था। तो अब ये दोनों शोएब अख्तर के साथ खड़े हुए हैं आकर, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इन तीनों का जो है वो डायरेक्ट कोई पर्सनल मामला है तफज्जुल रिज़वी के साथ? देखिए साकिब भाई, अगर पिछले लास्ट 12-15 साल से तफज्जुल रिज़वी जो है पीसीबी की लॉ टीम को हेड कर रहे हैं, तो शाहिद आफरीदी भी कुछ केसों से गुजरे हैं, कुछ शोकास नोटिस उन्होंने भी डील किए हैं, और यूनुस खान, यूनुस भाई का तो सबको ही पता है, उन्होंने भी काफी चीजें नोटिस की हैं, तो वो लोग उनको जानते हैं बेहतर। तो मुझे इसी सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसीलिए वो लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो पर्सनली अगर उन्होंने उनसे डील किया हुआ है रिज़वी साहब से, तो वो उनको जानते हैं, इसका मतलब है, तो शायद ऐसा ही कुछ लग रहा है। जी फिर भाई आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ऐसे वक्त में जब ये तीन आवाजें एक हो गई हैं और तीनों अपने आप को सानिहात ही बताते हैं कि वो बड़ी मुश्किल से इन चीजों से बाहर आए और वो केस जीते थे, मेरा कहने का मतलब ये बदला लेने का वक्त नहीं होगा, ये बदलाव का वक्त है। कुछ चीजें नजर आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि ये तीनों बहुत बड़े नाम है, शोएब अख्तर, शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, और अगर ये स्टैंड ले लेंगे तो कुछ ना कुछ पीसीबी को, एहसान मानी साहब को फ्रंट पे आना पड़ेगा, सीईओ वसीम खान को आना पड़ेगा, और स्टिक को बचाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तब्दीली मुझे होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रेशर इस सब कुछ पॉजिटिव पीसीबी पे पड़ रहा है। लेकिन इफी भाई बात यह है कि अगर एहसान मानी हो या वसीम खान हो या तफज्जुल रिज़वी हो, अगर पीसीबी की बात करते हैं या पीसीबी के खिलाफ जाने की बात करते हैं, तो पीसीबी के जो सबसे बड़ी कुर्सी पे जो पैटर्न इन चीफ बैठे हुए हैं वो तो इमरान खान है, तो क्या ये जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, राशिद लतीफ, बासित अली, शोएब अख्तर, क्या ये सब जाके अल्टीमेटली इमरान खान के अगेंस्ट या इमरान खान के सामने खड़े हो सकते हैं? मैंने आपको बड़े खुले अल्फाजों में बता दिया कि ये तीन बड़े नाम, मैं बाकी लोगों को ऐड ही नहीं कर रहा इसके अंदर, ये पिछले दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे जब देखेंगे तीनों एक हो गए। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, देखिए
तीनों का टेम्परामेंट का एटीट्यूड का इशू रहा हमेशा क्रिकेट के अंदर। सबसे बड़े नाम है ये, सबसे ज्यादा टेम्परामेंट कहा जाता है इन्हीं का था, सबसे ज्यादा एग्रेशन इन्हीं लोगों को, बल्ला मार दिया, बंदे को कूट दिया, गालियां दे दी, ये टेम्परामेंट, बॉल चबाली, ये वाले लोग कौन है? ये यूनुस खान है, गोली मार लूंगा, शुएब अख्तर सर फाड़ दूंगा, शाहिद अफरीदी चल पे निकल, ये भाई ये तीन लोग हैं, ये तीन करेक्टर है पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े। जब ये एक मुद्दे पे खड़े हो जाएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दरवाजे तो बहुत सारे लोग खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, अभी तो ऑफर है कि पर्सनल लेवल पे सालिसी हो जाए, शाहिद ने भी ये कहा है, यूनुस भी, यूसुफ भी ये कह रहा है, और भी बहुत सारे नाम है, और ये अगर जुड़ गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। तो मेरे ख्याल में शायद इस मसले को बीच में ही कहीं बेशक इमरान खान हमारे पैटर्न चीफ है पीसीबी के, उनके लिए लीस्ट प्रॉब्लम है क्रिकेट एट द मिनट, उनके लिए उनको कंट्री रन करने के लिए उनका जो ज्यादा जो बड़ा प्रॉब्लम है कंट्री रन करना, बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है मुल्क हमारा, तो मेरे ख्याल में उनको इतनी कोई इस पे कोई वो ध्यान नहीं होगा उनका इन चीजों पर। दूसरा ये कि जिस तरह आप ये एफी भाई कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ होता दिख रहा है, और तो मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, कोई एंड ऑफ द स्ट्रीट जो है ना, कुछ अच्छी लाइट दिख रही है कुछ। ये जो तीन बड़े लोग हैं हमारे क्रिकेट के, ये स्टार्स हैं, बहुत बड़े स्टार्स हैं, और तीनों ये तीनों बड़े कप्तान रहे हैं हम पाकिस्तान के, तो कुछ ना कुछ जो है ना अच्छी वाइब्स ही मुझे दिख रही है, कुछ ना कुछ तब्दीली, कुछ चीजें जो है ना कुछ पॉजिटिव वे में कुछ मुझे दिख रही है, कुछ ना कुछ होगा। जी इफी भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार देखें ट्रांसपेरेंसी के लिए अगर इन तीनों में से कोई भी बोलेगा मेरा वोट उसके साथ होगा, क्योंकि ये वो करेक्टर है जिस पर आप आग बनकर के ट्रस्ट कर सकते हैं कि दिखेंगे नहीं झुकेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, देखें किसी इनका पूरा करियर उठा के देख लें, शोएब अख्तर हो गए, शाहिद अफरीदी हो गए, इन लोगों का करियर बिल्कुल साफ है, कोई दाग धब्बा नहीं है। और मैं अब थोड़ा बासित भाई की बात पे आऊंगा कि जैसे उन्होंने जो हमारे पुराने पीसीबी के चेयरमैन थे जो आज आके उन्होंने जो स्टेटमेंट अपनी दी है, तो उनकी स्टेटमेंट में भी फर्क है। उस टाइम में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी वो सारे प्लेयरों के साथ थे, अब आके वो अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसकी स्टेटमेंट में भी अब 20 साल बाद फर्क है। और बासित भाई का मैं आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं उनका करियर किस तरह खत्म हुआ, और पर्सनली मैं भी जानता हूँ बासित भाई ने जिन्होंने अपनी करियर अपना करियर अपनी लाइफ लगा दी इन चीजों के अगेंस्ट। मुझे नहीं लगता कि बासित भाई पे कोई ऐसा इल्जाम होगा, या बासित भाई और राशिद भाई तो थे जिन्होंने लगाई है, तो कुछ जो चेयरमैन पुराने चेयरमैन साहब हैं उनका भी कुछ जो स्टेटमेंट में तब्दीली है 20 साल के बाद। अच्छा भाई दिख रहा है कुछ ना कुछ सियासी तौर पे। आरिफ अली अब्बासी साहब ने एक बात और की है, वो ये कि उन्होंने ये कहा है कि तीन खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलियंस थे जिन्होंने सलीम मलिक पे मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगाया था वो झूठा था। अगर सलीम मलिक तो खुद इकरार कर चुके हैं, फिर देखें आप ऑथेंटिक एविडेंस को मानते हैं, आप जस्टिस कयूम रिपोर्ट अगर देखें तो उसके अंदर लिखा हुआ है, साफ क्लियर लिखा हुआ है कि सलीम मलिक ने एडमिट किया और वो प्रूफ हुआ कि भाई उन्होंने किया था। तो आप सलीम मलिक तो आज भी एडमिट नहीं कर रहे हैं, वो तो आज भी टीवी चैनल्स पे बैठ के यही कह रहे हैं कि मैं एडमिट नहीं करता कि जी जो है मैंने मैच फिक्सिंग की थी और जस्टिस कयूम रिपोर्ट जो थी उसमें मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया। तो साकिब भाई ये तो डिफरेंट डिफरेंट बातें कर रहे हैं, ये और अताउर रहमान यही बात कर डिफरेंट बातें कर रहे हैं, वो क्या है हमें हमारे पे कोई इल्जाम नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, तो भाई ये किस बात के लिए माफी मांगते हैं आके, और फिर किस लिए उन्होंने बोला है कि पीसीबी और आईसीसी की हम हेल्प करने को तैयार हूं मैं, किस लिए बोला है उन्होंने फिर? जी फिर भाई तीस साल पुराने केसेस पीएम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, अभी सियासी तौर पे आपने देखा होगा कि रसीदें जमा हो रही है, हो रही है, हो रही है, 30 साल पुराना 24 साल पुराना 25 साल पुराना हो रही है चीजें, ठीक है, रिव्यू हो रहे हैं दोबारा केसेस, ट्रिब्यूनल दोबारा दोबारा बैठ रहे हैं, कमीशन बन रहे हैं दोबारा, तो भाई इसका भी बना लो यार, गलती बहुत से क्रिकेटर कहते हैं ना गलती, मैं तो ये कह रहा हूँ कि दोबारा रिव्यू के लिए डाल दे, दोबारा से हो जाए, दोबारा से ये रिव्यू दोबारा हो जाए, पता चल जाएगा ना, अब तो भाई 25 साल पुराने केसेस हो चुके हैं तो दोबारा भी हो सकते हैं ना यार, कोई बोल रहा है झूठी थी मेरे खिलाफ थी ये थी ये थी, कुछ नहीं भाई दोबारा कर दो यार।
ठीक है इफी भाई, अभी खत्म करते हैं वीडियो और इंतजार करते हैं। जी 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 बोलिए आज पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर हैं ज़ुल्कर्नैन हैदर जो विकेट कीपर भी थे और जो याद होगा दुबई से भाग गए थे इंग्लैंड में, दरख्वास्त दे दी थी उन्होंने जब उमर अकबल पे बैन हुआ तो उन्होंने बोला उन्होंने भी यही कहा कि बहुत छोटी, हालांकि पुरानी खबर हो गई है मगर आज मुझ तक पहुंची, उन्होंने कहा कि भाई बहुत छोटी पाबंदी लगी है, दो ढाई साल में फिर आ जाएगा खेलने के लिए कहीं ना कहीं से, इस पे तो लाइफ टाइम होनी चाहिए थी क्योंकि ये वो वाहिद आदमी है जो मुझ पे लंच वो ड्रिंक्स के टाइम पे आया मेरे पास क्योंकि ये पानी पिला रहा था उस मैच में, ड्रिंक्स टाइम पे ये आया, इसने मुझे कहा कि तुमने अंडर परफॉर्म करना है, तुमने शॉटे नहीं खेलनी है, तो मैंने इसको बोला चल भाई तेरा काम पानी पिलाना है तू पानी पिला। यार ज़ुल्कर्नैन का थोड़ा सा मामला जो जाके एक कॉन्फ्लिक्ट बनता है ना वो कामरान अकमल से बनता है जाहिर है, क्योंकि ये सबको पता है कि ज़ुल्कर्नैन और कामरान अकमल एक ही टाइम पर खेल रहे थे और दोनों के जो है आपस में काफी रिफ्ट्स थे, तो कामरान अकमल के हवाले से अगर ज़ुल्कर्नैन हैदर का कोई स्टेटमेंट आता है तो वो फिर सीधा कामरान अकमल के ज़ुल्कर्नैन हैदर चला जाता है, तो इसलिए जाहिर है उसकी ज़ुल्कर्नैन की बात को पहले भी लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया था, उसको कुछ लोगों ने कहा था कि जी इसको कोई मेंटल इश्यूज हैं, कोई किसी ने कुछ कहा था और फिर आज भी ज़ुल्कर्नैन जो बात कर रहा है यकीनन हो सकता है वो सही कह रहा हो बट फिर भी लोग उसको उस तरह से वैल्यू नहीं दे रहे उसकी बात को जिस तरह से देनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम इसको अभी आज की वीडियो को खत्म करते हैं और इंतजार करते हैं कि जब इंजमाम उल हक, सकलैन मुश्ताक, वसीम अकरम, वकार यूनुस और मुश्ताक अहमद ये पांच नाम आके शोएब अख्तर के साथ कंधा मिला के खड़े होंगे अगेंस्ट पीसीबी या अगेंस्ट तफजुल रिजवी, जो भी मामला शोएब अख्तर के चल रहे हैं हमें ये देखना है कि ये कब आते हैं शोएब अख्तर के साथ। देखें यार साकिब भाई एक लाइन मेरी आखिरी लेते जाए, ये तीन करेक्टर ऐसे हैं जिनके आपस में बहुत कम आपको सुनने में मिला होगा, शाहिद, शोएब और यूनुस, ठीक है। इंजमाम शिकायत कर चुके हैं ड्रग्स लेने की शोएब अख्तर के ऊपर, वकार यूनुस 2003 के वर्ल्ड कप के बाद इनकी शिकायत कर चुके हैं, इन पे पाबंदी इनको निकलवा चुके हैं, टीम से बाहर करा चुके हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ी को या स्पोक्समैन को इन लोगों की जरूरत नहीं है, जो समझते हैं कि शोएब ठीक कह रहा है वो है शाहिद और वो है यूनुस, इसलिए वो स्टैंड कर रहे हैं बराबर में खड़े हैं उसके और उन्होंने सपोर्ट भी कर दिया शोएब अख्तर को। ये एक चीज है जो चेंज की तरफ दिखती भी नजर आ रही है मुझे इस सूरतेहाल के अंदर। बाकी पर मैं एक छोटी सी बात ऐड करूंगा कि जैसे अभी जैसे इफी भाई कह रहे थे कि शोएब अख्तर एंड ऑफ द डे मांग क्या रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं। अगर आपने आपकी नजर से कामरान अकमल का इंटरव्यू अभी रिसेंट इंटरव्यू आया था एक दो दिन पहले का गुजरा हो, उसने भी भाई एज ए भाई होते हुए भी उसने यही कहा है कि ट्रांसपेरेंसी बताएं हमें, अगर है तो इसको फिर इसको उमर को पूरे लाइफ का बैन करें, ये सही नहीं है कि ये दो साल या तीन साल का जो बैन है ये सही नहीं है, तो बात तो एंड ऑफ दी डे ट्रांसपेरेंसी की कर रहे हैं इसको है। तो मतलब पीसीबी की लीगल टीम को आगे ट्रांसपेरेंसी तो बतानी पड़ेगी ना किसी तरह, चेंज तो लाना है यार। देखिए ये पीसीबी ये वाली जो चीजें हैं तो पीसीबी का खासा है, मगर शोएब ने जिस गेमिंग कंपनी वाली जो बात बताई है ना वो जरा सी एक ऐसी है जो थोड़ी सी पर्सनल है और उसका जवाब तो किसी भी से देना होगा ना भाई। उस पर्सनल तो नहीं होगा ना, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई कंपनी के नीचे से साइन होके जाता है वो उनकी लीगल टीम की तरफ से जाता है, उसमें भी अगर गलती की है उन्होंने तो लीगल टीम ने गलती की है तो इसका जवाब करना चाहिए, जवाब किसी भी देगा। देखे यार लीगल और वसीम खान को भी देना पड़ेगा, लीगल टीम देगी ना जवाब, इसका जवाब देंगे चेयरमैन क्योंकि लास्ट अथॉरिटी तो वही होंगे ना, साइन तो होती है कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए होंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने वाले तो लीगल टीम होती है ना, कॉन्ट्रैक्ट तैयार होने के बाद पढ़ा भी तो गया होगा, उसको अथराइज किया होगा, उसको साइन अथराइज किया होगा, ठीक है जी। तो ये जवाब तो पीसीबी चेयरमैन से बनता है। जी फिर भाई देखिए जब आप ये तवक्को कर लेते हैं कि प्लेयर्स को सजाएं पीसीबी ठीक दे रहा है तो आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि पीसीबी के पास से राइट्स जा रहे हैं ऐसी कंपनी को जो गेमिंग कराती हो, बैटिंग कराती हो क्रिकेट के ऊपर, तो इसका जवाब तो कोई क्रिकेटर ले सकता है ना, पूछ सकता है ना भाई इसमें कौन सी गलत बात है यार, वो ट्रांसपेरेंसी तो फिर शोएब भाई अगर इसमें आके अग्रेसिव बॉलिंग कर रहे हैं उन्होंने ट्रांसपेरेंसी मांगी है उसमें, ठीक है। चलें अभी खत्म करते हैं, हमारे दोस्तों से हमारी एक ही रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने घरों में रहें खैरियत से, लॉकडाउन की पाबंदी करें, सेहतमंद रहें और महफूज रहें। अभी चलते हैं, हमारी वीडियोस आप लोग देखते रहें।
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।